दोस्तों आप लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियोस में कुछ इस तरह के इफेक्ट तो देखे होंगे। तो दोस्तों इस तरह के इफेक्ट को हाईलाइट टेक्स्ट इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है। बहुत ही सिंपल से प्रोसेस में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप लोगों के पास कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, उसको आप ले सकते हैं, चाहे वो कैपकट हो, काइन मास्टर हो, आपके पास प्रीमियर प्रो हो, डाविंची रिजॉल्व हो, सब में प्रॉपर मेथड एक जैसा ही है। बस आपको टेक्निक को समझना है, आप कोई भी इफेक्ट अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्साहो। चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। अब काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, आपके जो भी प्रोजेक्ट है वो दिखाई देंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको क्रिएट के ऊपर जाना है और क्रिएट के ऊपर आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है या फिर इंस्टाग्राम के लिए। तो चलिए जैसे मान लेते हैं मुझे इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनानी है, तो मैं यहाँ पे ये क्रिएट पर कर दूंगा और ये देखिए मेरी वीडियो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पिक्चर की ज़रूरत होगी जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं क्रोम से डाउनलोड कर लूँगा किसी भी चीज़ को। तो हम आएंगे दोस्तों अपने गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, सोशल मीडिया। लिखने के बाद मैंने सर्च किया। सोशल मीडिया सर्च करने के बाद आपको बहुत सारी यहाँ वेबसाइट मिल जाएंगी। तो मैं किसी भी वेबसाइट के अंदर यहाँ चला जाऊँगा। चलिए मान लेते हैं व्हाट इज़ सोशल मीडिया। अब मैं इसके अंदर चला जाऊँगा और जाने के बाद ये कुछ मेरे पास एक इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसमें से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ दोस्तों। तो जो हमारा स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अपलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको पहले बिल्कुल फिट कर लेना है। इस पर आपको फिट कर लेना है। फिट करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको पैन और जूम दिखाई देगा। इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद आप इसको दोनों अंगूठों की सहायता से आप इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे। तो अब हमारे पास में ये डन हो चुका है, इसे बैक कर लेंगे। ये हमारी फुल स्क्रीन पर आ चुका है। अब आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रीन छोटी करते हैं। यहाँ पर आप आएंगे लेयर के अंदर और लेयर के आने के बाद यहाँ पर मीडिया में आएंगे और मीडिया में आने के बाद आपको यहाँ पे इमेज एसेट्स दिखाई देंगे। यहाँ से कोई सा भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ। अब ये ग्रीन कलर की आपकी पट्टी आ जाएगी। इसको सिंपली मैं इस तरीके से कर लूँगा। अब मुझे जिसके ऊपर भी ये इफेक्ट लगाना है, जिस लाइन के ऊपर भी, उसको मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले मैं सेलेक्ट करूँगा, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। आप यहां पर आएंगे ओपेसिटी के अंदर, तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूं ताकि मैं देख पाऊं किस लाइन के ऊपर मैं ये करने वाला हूं। तो ये देख रहे हैं आप लोग, इसे बैक करते हैं। अब यहां पर एक क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहां पे क्रॉप करेंगे, ओके कर देंगे और ये इस तरीके से आप लोग देख ही सकते हैं। जितना चाहें आप उतना छोटा कर सकते हैं, मैं तकरीबन इतना छोटा कर लेता हूँ और इसे करता हूँ डन। इसकी ओपेसिटी को आप कर लीजिए 100%। अब इस तरह से, और मैं इसको इस लाइन के ऊपर इस तरह से रख दूंगा और आप इसे बड़ा कर लेते हैं। पूरी लाइन के ऊपर कर लिया है मैंने इस तरह से, और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं पूरी इसके ऊपर। अब इसको फिर से हम क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा क्रॉप कर मतलब पतला कर लेंगे इसे। तो ये मैं थोड़ा नीचे से और काट कर देता हूँ इतना, और इसे बैक कर देते हैं। अब इसे बिल्कुल इसके ऊपर रख देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ मैंने पूरे के पूरे इसके ऊपर इन्हें ढक लिया है, इस लाइन को। अब हमें सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद जैसे ही आप मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें एक इफेक्ट डालना है जो कि चलता हुआ आता है। तो यहाँ पर आएंगे आप इनमें, और यहाँ आने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कर देंगे। इसकी आप इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेट कर लेता हूँ, कम से कम 2 सेकंड तक, ओके। और इसके बाद फिर इस पर क्लिक करके आउटर पर कर लेंगे। आउटर के अंदर फिर नीचे जाएंगे आप, और इस बार हम बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे। पहले हमने इधर को जा रहा था, अब इधर को चला जाएगा, या फिर आप इसे आगे की तरफ को लेके जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो ये हो गई इसकी इंटेंसिटी। अब इसको आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो इतना, और इसको आप एंड तक ले जाइए। अब इसे प्ले करके देखते हैं, देखिए इफेक्ट हमारा कैसा बना है। देख रहे हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में।
आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर भी हो जाएगा, ग्रीन कलर से कोई और कलर चेंज कर, जो भी आपकी मर्जी करें आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। मैं लाइट ग्रीन कर लेता हूँ, ये देखिए तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये इस तरीके का इफेक्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है और ये देखिए पीछे से हट भी जाएगा। जितनी इंटेंसिटी आप इसकी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो ये इतना करने के बाद दोस्तों आप किसी और लाइन को भी अगर करना चाहें तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करिए, इसकी डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट मतलब यहाँ 3 डॉट पर आइए और 3 डॉट पर आने के बाद ये डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद जहाँ पर भी आपको रखनी है उस लाइन को यहाँ से हटा करके, जैसे मान लेता हूँ मैं मुझे इस लाइन को भी करना है और यहाँ से मैं इस कलर को लाल दे देता हूँ, तो ये देखिए लाल कलर की भी हमारी हाईलाइट हो जाएगी। या मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये पिंक, जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। जिस लाइन पर भी आप करना चाहते हैं उसको आप वहां पर ले जाइए, तो यहां पर ये होना शुरू हो जाएगा और इफेक्ट भी हमारा वही काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपनी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। सेव करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपको पावर रखनी है उस हिसाब से आप लोग इसे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जो वीडियो एडिटिंग करते हैं आप, जिससे उसके थ्रू आप इसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते आपको टेक्निक का पता होना चाहिए। मेरा काम यहाँ पर टेक्निक समझाने का है, किसी सॉफ्टवेयर को चलाने का नहीं है। अगर आप लोगों ने टेक्निक समझ ली तो कोई भी एप्लीकेशन में आप इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। YouTube पे आए हैं सारे टेक्निकल भाई, जिनके वीडियो से होगी टेक्निक प्रतियंत पैसा, नाम हमारा टेक्निकल नॉलेज का संचार, साथ लेके आए अगर YouTube पे हमारा प्यार। टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो, सबको सिखाए YouTube पे टेक्निकल सा हो, हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु। टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो।